नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हमारा विषय है राष्ट्रीय एकता दिवस। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व के बारे में, और साथ ही जानेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में, उनके महान व्यक्तित्व के बारे में, और देश के लिए उनके किए गए योगदान को आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही जानेंगे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, भोपाल रियासतों का इतिहास, और बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और स्टेचू ऑफ यूनिटी, इन सब बातों पर डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारत विविधताओं का देश है। पूरब से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक लोग, भाषा, संस्कृति सब बदल जाता है, पर भारत की एकता सदैव अडिग व अमर व अटूट है। इस एकता को सुनिश्चित करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। भारत के आज़ाद होने पर देशवासियों में जहां एक तरफ आज़ादी की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ बंटवारे का गम। पाकिस्तान अलग देश बन चुका था, और आज़ादी के बाद भारत के सामने देसी रियासतों का विलय कर अखंड भारत के सपने को साकार करने की चुनौती थी। इस कार्य में सरदार पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई और तमाम रियासतों का अखंड भारत में विलय कराकर अखंड भारत का सपना जो है उसको साकार करने में मदद की। तो चलिए जानते हैं रियासतों के विलय के बारे में। रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, साथ ही उसे बंटवारे का एक जहर भी पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया में एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हो गया था। विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए, मजहबी आधार पर भी विभाजन किया गया था, और देश के सामने असली दिक्कत थी भारत की एकता व अखंडता को बरकरार रखने की। आज़ादी के समय देश में लगभग 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी भी एक को चुनने का या आज़ाद रहने का विकल्प दिया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल पर देश की एकता व देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। कई रियासतें तो आसानी से भारत में विलय के लिए तैयार हो गईं, पर कई स्वतंत्र रहना चाहती थीं। सरदार पटेल ने उनसे देशभक्ति दिखाने का निवेदन किया, और 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश, संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई राजाओं ने भारत की बात मानकर 15 अगस्त से पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत में जुड़ने को तैयार नहीं थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने तथा कश्मीर ने आज़ाद रहने की घोषणा की थी। तो ये कुछ रियासतें जो हैं आसानी से भारत में मिल गई थी, पर कुछ अलग ही रहना चाहती थी और कुछ पाकिस्तान में विलय को तैयार थीं। तो सबसे पहले जानेंगे जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़, 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान में जाने का ऐलान किया। नवाब मोहम्मद महावत खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार जी ने नवाब से फैसला बदलने का आग्रह किया, पर नवाब नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह बढ़ने पर नवाब पाकिस्तान भाग गया तथा जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया, और इस तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। हैदराबाद, निजाम ने हैदराबाद को आज़ाद घोषित कर दिया था। भारत ने उससे फैसला बदलने को कहा। जून 1948 में माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से समझौता करने की सलाह दी। इसके तहत हैदराबाद भारत के अधीन एक स्वायत्त राष्ट्र का दर्जा पा सकता था, पर हैदराबाद के निजाम नहीं माने। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का निश्चय किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद की लड़ाई शुरू हुई। तो युद्ध कब शुरू हुआ था? 13 सितंबर 1948 को, और 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद कश्मीर की बात करते हैं। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना व कबालिये घुस आए थे। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद करने से मना कर दिया। आखिर में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। उसके बाद भोपाल,
मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल को आज़ाद घोषित कर दिया। मई में एक मंत्रिमंडल की भी घोषणा कर दी, पर भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया तथा भारत के दबाव व लोगों के विरोध के कारण 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना। तो ये सब प्रयास जो है भारत सरकार द्वारा किए गए थे और देश के मौजूदा स्वरूप के लिए सरदार पटेल का योगदान अति महत्वपूर्ण है। खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह उनके नेतृत्व में ही हुआ था। 1917 में क्या हुआ था कि गुजरात में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई थी। लोगों तथा जानवरों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और जो जनमानस था वो बुरी तरीके से परेशान हो गया था। तो इसी से जुड़ा हुआ है खेड़ा आंदोलन। तो चलिए जानते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार से मालगुजारी न वसूली जाने का अनुरोध किया, पर अंग्रेजों ने किसानों की मांग नहीं सुनी। गांधी जी गुजरात के अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी मालगुजारी न वसूलने के लिए कई पत्र लिखे, पर कोई बात न बनते देख उन्होंने किसानों को सत्याग्रह की सलाह दी तथा मालगुजारी न देने की शपथ दिलाई। गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल भी वकालत छोड़कर आंदोलन से जुड़ गए। कई अन्य लोग भी आंदोलन से जुड़कर किसानों को जागरूक करने लगे। आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की गई, पर किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन के बाद सरदार पटेल जनमानस के लोकप्रिय नेता बन गए। उसके बाद बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह की। 1928 में गुजरात का बारडोली इलाका अकाल और बाढ़ से पीड़ित था। ब्रिटिश सरकार ने सालाना लगान 30% तक बढ़ाने का फैसला किया और बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। तमाम कोशिशों के बावजूद जब सरकार ने फैसला नहीं बदला तो किसानों ने सत्याग्रह चालू कर दिया। महात्मा गांधी जी के कहने पर इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार जी ने किया। लगान न देने पर सरकार ने कुर्की चालू कर दी। इस पर गांधी जी के कहने पर पूरे देश में 12 जून को बारडोली दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया था? 12 जून को। तब यह आंदोलन और व्यापक हो गया तथा सरकार को झुकना पड़ा। मुंबई सरकार ने लगान का आदेश रद्द कर दिया। इस आंदोलन के बाद हुई जनसभा में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इस जो है आंदोलन के बाद सरदार की उपाधि दी गई थी। अब उनका जीवन परिचय सरदार पटेल जी का जान लेते हैं। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियावाड़ खेड़ा गुजरात में हुआ था। ये उनकी ननिहाल थी। इनके पिताजी का नाम श्री झावरे भाई पटेल था और ये जो है किसान थे। प्राथमिक शिक्षा करमसद गांव से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए जो है ये पेटलाद के स्कूल में गए। 1897 में नाडियाड से मैट्रिक पास किया। इसके बाद वकालत की पढ़ाई की तथा गोधरा में वकालत करने लगे। 1893 में इनकी शादी झावेरवा से हुई। जुलाई 1910 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड गए तथा मिडिल टेंपल में लॉ में दाखिला लिया तथा कॉलेज में टॉप किया। 1913 में वापस लौटे तथा एक मशहूर वकील बन गए। खेड़ा आंदोलन उनकी पहली बड़ी सफलता थी। 1922 में बोरसद में सत्याग्रह में उन्होंने हदियाकर को ख़त्म कराया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सफलता मिली। और देश के प्रति उनका क्या योगदान था ये भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस पर भी गांधी जी से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए तथा कई आंदोलनों में सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता व सूझबूझ से देसी रियासतों का देश में विलय कराया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु से उन्हें गहरा दुख हुआ। 2 वर्ष बाद 15 दिसंबर 1950 को वह भी इस दुनिया से चले गए। 1991 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस, अब इसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल ने देश को एक करने का काम किया और देश की अखंडता को सुनिश्चित किया। उन्होंने देश की एकता को उन्होंने हमेशा एकता का संदेश दिया। इसीलिए 2014 से हर वर्ष उनके जन्मदिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में
मनाया जाता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। सरदार पटेल जी के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में बनाई गई है। वे स्वतंत्र भारत की आधुनिक प्रशासनिक सेवा के संस्थापक थे। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। यह 182 मीटर ऊंची है। साधुबेट द्वीप पर बनाई गई यह सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दक्षिण में है। 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी तथा 31 अक्टूबर 2013 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था और तब से लोहा जमा करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया था। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। इसको 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है और इसकी कुल ऊंचाई आधार से शीर्ष तक 240 मीटर है। इसका मूल ढांचा कंक्रीट व स्टील से बना हुआ है। मूर्तिकार राम वांजी सुतार पद्मश्री से सम्मानित हैं। उन्होंने ही इस प्रतिमा का डिज़ाइन तैयार किया था। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके से तमाम विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, साझा करने के लिए सदैव हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।